मेरा नाम अविनाश कुमार मिश्रा है। मैं केयर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज का टॉपिक हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। करीबन 250 मिलियन की आबादी है हमारे पास, जो कि आर्थराइटिस, घुटनों के आर्थराइटिस से के प्रॉब्लम से है। करीबन 4% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन के लोग अफेक्टेड हैं। तो पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो कैसे आएगा? जाहिर सी बात है कि हमें बोलेगा कि घुटनों में दर्द है साहब, हम चल नहीं पा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, नीचे बैठ गए तो उठने में दिक्कत होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये सारी क्यों ऐसा होता है? एक तो पहले एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, ज़्यादातर 50 के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एज के साथ साथ दूसरे फैक्टर्स में मोटापा, अगर शुगर की बीमारी है या बीपी की बीमारी है तो उन लोगों में भी ज़्यादा देखने को मिलती है। कार्टिलेज का डीजनरेशन होने लगता है, कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है, और घिसने के साथ साथ हड्डियों के साथ जब एक साथ जब टकराते हैं तो ज़्यादा दर्द की कंडीशंस आती हैं। तो हम कैसे इसको रोक कैसे सकते हैं? तो रोकने के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें मसल्स को ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तो हमें एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। एक्सरसाइज के अलावा भी हम कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं, जैसे कभी कभी पेन किलर्स भी देते हैं। इसके अलावा हम कभी कभी घुटनों को नी कैप्स वगैरह भी दे करके दर्द कम कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे ग्लूकोसामाइन करके हैं, कॉर्निटिन सल्फेट्स हैं, ये सब भी दवाइयाँ दे के दर्द कम कर सकते हैं। इसके अलावा घुटनों के लिए इंजेक्शन्स भी हैं, वो भी दे सकते हैं। घुटनों में इंजेक्शन्स में जैसे PRP होता है, वो भी दे सकते हैं। हाइलोरोनिक एसिड के इंजेक्शन आते हैं, वो भी दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स ज़्यादा करके हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ पीपल में और एज रिलेटेड पीपल में और कार्टिलेज का डैमेज होने का संभावना होता है। लेकिन अगर पेशेंट अगर ऐसा है कि अगर कुछ नहीं दे सकते तो उसमें स्टेरॉइड देना ठीक ही रहता है। लास्ट, अगर सब तरीके से अगर देखा जाए कि कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और कोई मदद नहीं हो पा रही है, तो सर्जरी करना ही सबसे अच्छा तरीका है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं। ऊपर का जो कार्टिलेज या नीचे के कार्टिलेज को हम चेंज करके एक नया मेटल का या कोबाल्ट क्रोमियम का अलॉय लगा के प्लास्टिक इंसर्ट करके अच्छा पेन फ्री नी देने के लिए रह सकता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट के लिए। थैंक यू।